வேடனுக்கு அந்த ரகம் கொடுக்கணும் தெரியாது असली खिलाड़ी। मानी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे थालापति विजय एंड रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म वरिसु के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 26 जनवरी होने के चलते फिल्म वरिसु का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 के अंदर शानदार कलेक्शन देखने को मिली है। बात करें फिल्म वरिसु के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 की, तो फिल्म वरिसु ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 के अंदर वर्ल्ड वाइड 4 करोड़ का टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया है, जहाँ फिल्म का तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस से 3.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म वरिसु का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 287.86 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म ने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस से टोटल अभी तक 132.85 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों, फिल्म वरिसु के बजट की बात कर ले तो फिल्म वरिसु को ओवरऑल 260 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर 300 करोड़ के बेहद नजदीक है। फिल्म को ऑडियंस के द्वारा फिल्म को काफी बेहतरीन बताया जा रहा है। फिल्म एक एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म वरिसु को दोस्तों अगर आपने मिस की है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म थुनवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 के बारे में। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 की, तो अजीत कुमार एंड मंजू वॉरियर फिल्म थुनवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 के अंदर वर्ल्ड वाइड 2.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जहाँ फिल्म का तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस से टोटल 2.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म थुनवी का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 193.40 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म ने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस से अभी तक टोटल कुल 111.80 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों, फिल्म थुनवी के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड सैलरीज को मिलाकर, और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर 200 करोड़ के बेहद नजदीक है। तो फिल्म थुनवी को अगर आपने मिस की तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेगा स्टार चिरंजीवी एंड मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म वॉल्टियर वीरैया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिल्म वॉल्टियर वीरैया का आज बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा हफ्ता कम्प्लीट हो चुका है। फिल्म वॉल्टियर वीरैया के डे 14 कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म वॉल्टियर वीरैया ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 के अंदर वर्ल्ड वाइड 2.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म वॉल्टियर वीरैया का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 220.90 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म ने आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से टोटल 170.90 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म वॉल्टियर वीरैया के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 140 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड सैलरीज को मिलाकर। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट है। फिल्म एक मास एंटरटेनर फिल्म है। तो फिल्म वॉल्टियर वीरैया आपने देखी या ना देखी, अगर आपने इस फिल्म को मिस की है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तेलुगु की नई रिलीज फिल्म वीरा सिम्हा रेड्डी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15 के बारे में। बात करें नंदामूरी बालकृष्ण स्टार फिल्म वीरा सिम्हा रेड्डी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15 की, तो फिल्म वीरा सिम्हा रेड्डी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15 के अंदर वर्ल्ड वाइड 1.75 करोड़ का टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म वीरा सिम्हा रेड्डी का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर टोटल 138.25 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म वीरा सिम्हा रेड्डी के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 110 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म 150 करोड़ के बेहद नजदीक है। फिल्म वीरा सिम्हा रेड्डी एक एक्शन पैक ड्रामा फिल्म है। फिल्म को अगर आपने मिस की तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म धमाका के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 35 के बारे में। दोस्तों, बात करें फिल्म धमाका के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 35 की, तो मास महाराजा की फिल्म धमाका ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 35 तक आते आते अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 111.75 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से टोटल 73.74 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म धमाका के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर ऑल टाइम सुपर हिट है। फिल्म धमाका दोस्तों अगर आपने मिस की तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों, ये था लेकर जो का हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के गलियारों से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए मेरे एंटरटेनमेंट न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।